गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वीडियो नंबर 1 इज एक्सरसाइज नंबर 8.3 मैथ्स और चैप्टर है अपना इकोनॉमी ट्राइंगल ऑफ मैथ। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 67 प्लस कॉस 75। इसमें थीटा कितना है 67 और इसमें थीटा है 75। ये प्रश्न में क्या करना है कि थीटा का वैल्यू 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, ऐसे आपको लिखना है। थीटा की वैल्यू ये 67 है, उसका मान भी कितना होना चाहिए 0 और 45 के बीच में, और जो 75 है उसका वैल्यू भी कितना होना चाहिए 0 और 45 के बीच में। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला था कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, ये फॉर्मूला है, अपन पहले भी कर चुके हैं। साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन के साथ थीटा कितना है 67, तो थीटा की प्लेस पे क्या लिखेंगे 67। ओके, सिंस साइन 67 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 67। ओके, थीटा का वैल्यू कितना था 67, तो साइन 67 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 67 तो कितना मिलेगा 23। ओके, ये हो गया 23। तो साइन 67 के वैल्यू कितना मिला कॉस 23। अभी ये जो थीटा है 23 वो 0 और 45 के बीच में है, अभी ले रहे हैं कॉस थीटा। सिंस कॉस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। ओके, कॉस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 75, तो थीटा की प्लेस पे अपन क्या लिख रहे हैं 75 इक्वल टू साइन 90 माइनस 75। थीटा की प्लेस में क्या लिखा 75। ओके, कॉस 75 इक्वल टू साइन 90 माइनस 75 कितना मिलेगा 15 मिलेगा, ये लिखा 15। ओके, अभी देखो साइन 67 कितना मिला था कॉस 23 और कॉस 75 कितना मिला साइन 15। सिंस साइन 67 प्लस cos 75 इक्वल टू इसका मान 0 और 45 के बीच में थीटा चाहिए, तो क्या हो जाएगा sin 67 कितना था cos 23 प्लस cos 75 कितना मिला है sin 15, तो हो जाएगा अपना आंसर। इसमें देखो थीटा 0 और 45 के बीच में वैल्यू है। ओके,